हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा करते हैं अच्छे हैं। एग्जाम का मोशन है, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का। ये चैप्टर में से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक के साथ कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए वो भी सिखाएंगे। क्लास में बने रहिए, स्किप मत करना, बहुत ही जरूरी क्लास है। बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा जान लेता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 रहता है, उस टाइप का इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax2 + bx + c = 0। ये इक्वेशन का 3 कंडीशन है, इसको अच्छा से याद करना है। यही कंडीशन में से ही सारा एमसीक्यू ज्यादातर आता है एग्जाम में। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट निकलता है। अगर b² - 4ac = 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट निकलता है, दोनों रूट इक्वल होगा और रियल रूट होगा। नेक्स्ट नंबर 3 में आता है, b² - 4ac अगर 0 से कम हो जाता है तो इसमें रियल रूट नहीं आता है, इमेजिनरी रूट आ सकता है। अभी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इसको अच्छा से याद रखना है। x = -b + √(b²-4ac)/2a। इसमें और एक है, x = -b/a भी लिख सकता है। कब? जब b² - 4ac = 0 हो जाता है तब आप एक्स डायरेक्ट ये फॉर्मूला से भी एक्स निकाल सकता है। कंडीशन एक ही है, b² - 4ac = 0 होना पड़ेगा। मतलब ये अगर 0 हो जाएगा इसको लिखने का मतलब ही नहीं है, तो रहता है क्या, -b/2 है। आइए शुरू करते हैं अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 में। तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 6x + 5 = 0, ये इक्वेशन का रूट कैसा निकलेगा, इसी में ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहले आप निकालना है b² - 4ac क्या होगा, b के प्लेस में इसमें क्या है, -6 स्क्वायर करने से कितना होगा, 36, ठीक है ना। ऐसा है -4ac, -4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 हो गया, -24 आएगा, तो मतलब 0 से कम आ गया, तो इसका आंसर होगा इमेजिनरी रूट निकलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए कंडीशन क्या है, ये वाला है। तो b² - 4ac > 0 होना पड़ेगा। तो इसमें b क्या है, 4, तो इसको 4² कर दीजिए, माइनस फिर 4, a के प्लेस में क्या है, 1 है, c के प्लेस में ये k अगर ये साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो c के प्लेस में आप k लिख सकता है, मल्टीप्लाई k ग्रेटर देन 0। ओके, क्या होगा, 16 - 4k > 0। अभी k उधर लेके जाइए, 16 ये 4k इधर लेके जाइए, तो k इक्वल इसमें k रखिए, तो इसमें क्या होगा, 16 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 हो जाएगा, मतलब k is less than 4, ये हो गया आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, द रूट्स ऑफ 4x² + 4√3x + 3 हैज नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड अनइक्वल। ये कौन सा आएगा, पहले आपको b² - 4ac का वैल्यू निकालिए। b² इसमें क्या है, 4√3 है, 4² कितना होता है, 16, √3² कितना होता है, 3, 16 × 3 = 48 होगा। उसके बाद -4ac निकालना है, -4 और a के प्लेस में 4 = 16 और c के प्लेस में क्या है, 3, 16 × 3 = 48 होता है, तो इसका आंसर होगा 0। 0 होने से क्या निकलेगा, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट। तो नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। वेरिएबल अगर एक रहेगा तो उसका डिग्री हमेशा नेचुरल नंबर ही रहेगा, क्योंकि 0 से तो कम हो नहीं सकता, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, मतलब 1 से कम नहीं होगा। 5 में आता है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका रूट निकालना है। तो इसका रूट निकलने के लिए इसको अगर सोल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप शॉर्टकट ट्रिक लगाइए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इस टाइप का होगा, x² + x - p × p + 1 = 0 होगा। इसमें से आप इसका रूट लिख सकता है, क्योंकि इसको फैक्टर करने से क्या होगा, p और p प्लस 1 ये माइनस में है, तो ये फॉर्मूला में क्या है, प्लस है इसी, तो मतलब फैक्टर होगा p एंड p प्लस 1, दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तो वो ऑप्शन आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो दोनों में प्लस दे दिया, नहीं होगा, एक माइनस होना पड़ेगा, तो इसमें तो ये p प्लस 1 दिया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, हाँ ये हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों में से एक माइनस है, ये फैक्टर दोनों लिखा हुआ है, तो ये वाला होगा, विदाउट सॉल्व करके आंसर निकल सकता है।
इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करना पड़ेगा एमसीक्यू करने के लिए, नहीं तो आपको ये अगर सोल्व करने जाएंगे तो 3 मिनट लग जाएगा, तो आपका घाटा लग जाएगा, ठीक है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप जस्ट टिक करना है। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस वन, ये इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकलना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसका वैल्यू निकलना है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी। आप ऑरेली कर दीजिए बी स्क्वायर, इसमें बी क्या है माइनस फोर है, तो माइनस फोर का होली स्क्वायर करने से क्या होगा 16 होगा, माइनस फोर इसी, फोर ए के प्लस में इसमें एक्स का बेस क्या है 1 है, तो 4 × 1 = 4, फिर 1 मल्टीप्लाई करने से 4 होगा, तो मतलब इक्वल टू होगा 12। तो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके ऊपर ये जो है ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसका रूट निकालने से कितना आएगा, आप इसको लिख सकता है रूट ओवर 2² × 3 लिख सकता है, तो 2² का रूट 2√3 होगा, तो ये ऑप्शन देखिए 2√3 ये वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 consecutive integers, 3 consecutive सीरियल नंबर है, इंटेजर है, उसका स्क्वायर का सम 110, तो सबसे छोटा वाला क्या होगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटेजर। तो इसमें आप मॉडली कर सकता है 6² + 7² + 8² उन्हें से ज्यादा हो जाएगा, 84 होगा, 49 होगा और 36, 110 से ज्यादा हो जाएगा। इसको देखिए 5² करने से क्या होगा, 5² + 6² + 7² तो ये हो गया आपका 25 + 36 = 61 होता है, और ये होता है 49, तो ये होगा 110 आपका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसी तरह आपको शॉर्टकट करना है कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रियल रूट कितना है निकलना है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी निकलने से ही पता चलेगा इक्वल रूट है कि नहीं, रियल रूट है कि नहीं, इमेजिनरी है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो इसका बी स्क्वायर कितना होगा, बी के प्लस में क्या है माइनस रूट ओवर 5 है, तो माइनस रूट ओवर 5 होल स्क्वायर करने से कितना होगा 5 ही होगा, और उसके साथ 4ac माइनस करना है 4 और a के प्लस में 2 4 × 8 8 × 8 8 माइनस कर दीजिए, आंसर निकलेगा क्या -3, मतलब इसका वैल्यू 0 से कम हो गया, मतलब माइनस में आ गया, मतलब इसका कोई रियल रोड है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, इसका कोई रियल रोड नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है व्हिच इक्वेशन हैज ट्रू एज ए रूट, ये 4 इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से किसका रूट 2 है, तो आप जस्ट 2 का वैल्यू पुट करके आप पता कर सकते हैं, 2 का वैल्यू यहाँ करने से क्या होगा 2² = 4 होगा, 4 − 4 = 8, इसमें 4 हो गया, इसमें 5 4 + 5 9 होगा, 9 में से 8 गया 1 होगा, इसमें 0 है तो ये नहीं होगा, तो इसमें आप 2 देने से 2² = 4, 2 देने से होगा 6, 4 + 6 = 10 होता है, 10 में से 12 माइनस करने से 0 नहीं होगा, तो इस तरह आप ऑरली पुट करके आप हिसाब कर सकते हैं। इसको देखिए 2 और 2² का मतलब क्या है, इसका 2² = 4 होगा, 4 × 8 8 + 6 = 14 होता है, और इसमें माइनस में कितना है 7 × 14, तो 14 − 14 = 0, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एक, द रूट ऑफ दिस वन, इस इक्वेशन का रूट निकालना है, तो इसको सोल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा, तो आपको सोल्व करने से पहले जस्ट आपको क्या करना है 10 को स्प्लिट कीजिए, 10 का फैक्टर क्या है 2 × 5 है, तो 2 और 5 प्लस करने से 7 हो जाएगा, मतलब इसका फैक्टर होगा x + 2 और x + 5, तो रूट कितना होगा -2, इसका रूट होगा -5, तो -2 − 5, ये फैक्टर अगर प्लस में आता है रूट में निगेटिव होता है, तो इस तरह आप करना है, इसको फैक्टराइज करके सोल्व करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो इस तरह का आप शॉर्टकट ट्रिक यूज करके आप 30 सेकंड के अंदर आप कोई भी एमसीक्यू का आंसर दे सकता है। तो इस सप्ताह में से और थोड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, फिर और एक क्लास ले लूंगा, इसमें बहुत सारा एमसीक्यू है, तो उसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दूंगा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और लाइक जरूर करना, लाइक करने से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।